हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलो हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लूवॉल कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि राइट स्टार वगैरह जो ग्लूवॉल लगाते हैं, वैसे ही आप भी कैसे ग्लूवॉल लगा सकते हैं, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लूवॉल लगाने की इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। मैं आपको दो ऐसे टिप्स बताऊँगा जिसको ऑन करने के बाद आप बहुत बेहतरीन तरीके से ग्लू वॉल लगा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लू वॉल लगा सकते हैं। चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी ब्रेक के, छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें यूट्यूबर्स वगैरह आपको बताते हैं कि आपको बैठ के ग्लू वॉल लगाना है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जैसे ग्लू वॉल लगाते हैं वैसे ही ग्लू वॉल लगाइए। बैठ के ग्लू वॉल और खड़े होकर ग्लू वॉल लगाने में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जब खड़े होकर ग्लू वॉल मारते हैं ना तो थोड़ा ग्लू वॉल दूर हमसे गिरता है, और जब हम बैठ के ग्लू वॉल मारते हैं तो करेक्ट हमारे मुँह के सामने ग्लू वॉल आता है। और इससे ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें कोई और ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके ग्लू वॉल को स्लो गिरने में या फास्ट गिरने में मदद करेगा। बैठ के खड़े होकर अगर आप ग्लू वॉल मारेंगे तो इसमें ऐसा फ्रेंड्स कोई बात नहीं है। मैं आपको दो ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ही ईजिली आप टू फिंगर में भी बिल्कुल आराम से खड़े होकर या बैठ के कैसे भी आप अच्छे से बिल्कुल ही अच्छे से ग्लू वॉल मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और फुल्ली इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना वरना आपके फ्रेंड्स समझ में बिल्कुल भी वीडियो नहीं आने वाला। बस फ्रेंड्स, इसमें दो ऐसे टिप्स हैं ना, अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया ना तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से ग्लू वॉल लगाने लग जाएंगे, जैसे कि अज्जू भाई वगैरह लगाते हैं। आपको अपने पहले टिप्स के बारे में बता दूँ तो पहला टिप्स फ्रेंड्स ये है कि आपको अपने जनरल को ना हमेशा 100 पे रखना है। मैंने बहुत सारे प्लेयरों को देखा है कि वो 50 से 80 के बीच में अपना जनरल रखते हैं। पर फ्रेंड्स, आप इसे ना जितना अगर आप इसे 100 पे रखेंगे ना, इससे फ्रेंड्स आपका जो फ़ोन है ना वो अच्छी तरीके से रोटेट हो पाएगा, जिससे कि आप आराम से ना चारों तरफ ग्लू वॉल लगा सकते हैं। इससे फ्रेंड्स आपको ये फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। इसी कारण फ्रेंड्स आप हमेशा अपने जनरल को 100 पे रखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको अपने दूसरे टिप्स के बारे में बताऊँगा। और फ्रेंड्स, दूसरा टिप्स हमारा बहुत ही ईजी है। इस टिप्स में फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, अपना जो ये ग्लू वॉल का साइन है ना, इसको हमेशा आपको फ्रेंड्स 100 पे रखना है। इससे जब ये बड़ा रहता है ना तो हमारा क्लिक इस पर जल्दी हो पाता है। और इसे हमेशा अपने ऐसे जगह रखना है जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ वहीं बैठता हो, ऐसे जगह पे इसे रखना है। अब मैंने बहुत सारे प्लेयरों को देखा है कि वो इन्हें छोटा करके रखते हैं। फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल 100 पे करके रखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने को देखने को मिल सकता है। इसी कारण फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों टिप्स को अगर फॉलो करते हैं ना तो आप 100% से बहुत बेहतरीन तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्लू वॉल लगा सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम अब आप देखेंगे कि आपका जो ये गेम प्ले है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि इन दोनों सेटिंग करने से आपका ये बेनिफिट मिलेगा ना, जो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लू वॉल लगा सकते हैं। क्योंकि आपका जो ग्लू वॉल का साइज रहेगा वो बड़ा है ना, तो इससे आप ग्लू वॉल पे आराम से तुरंत ही टैप कर सकते हैं जब आपको ग्लू वॉल लगाना है तो। और जब सेंसिटिविटी फ्रेंड्स 100 से ऊपर रहता है ना, तो उससे फ्रेंड्स आपको ये होगा ना कि आप तुरंत ही अपने फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे टू फिंगर से ही क्यों ना खेलें, अगर आपने इन दोनों स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो किया ना तो आप फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से ग्लू वॉल लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ना तो आपको इस ट्रिक में कोई डीपी को बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको अपने डीपी सेक्शन में कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है। इससे फ्रेंड्स डीपी भी बहुत सारे यूट्यूबर आपको अपने डीपी को बढ़ाने के लिए कहते हैं, इससे फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल है ना वो आपको ख़राब भी हो सकता है। इसी कारण मेरा आपसे सजेशन है कि आप इस तरीके का काम ना करें, अपने डीपी को ना छेड़खानी करें, इससे आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। जो भी आप खेल रहे हैं वो भी आप फिर नहीं खेल पाएंगे। इसी कारण फ्रेंड्स आप उन सेटिंगों को ना, अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 360 ग्लू वॉल की बेहतरीन सी ट्रिक लेके आऊँ, तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका जो भाई का चैनल है वो जल्द से जल्द ग्रो कर सके। और फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि आपका भाई का चैनल बहुत से बहुत जल्द ग्रो कर जाए। और फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप रियली में ग्लू वॉल लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने इन दोनों स्टेप को अच्छे से फॉलो किया है ना तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से ग्लू वॉल लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो को फुल वॉच ही किया है पर फ्रेंड्स आपने पर इनमें से एक भी स्टेप को फॉलो नहीं किया तो फ्रेंड्स आप ग्लू वॉल नहीं लगा सकते। इसी कारण फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा कि आप इन दोनों
स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स चलो मिलते हैं हम अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया रहेंगे। चलो फ्रेंड्स हम अपने इस वीडियो को इतने पे ही ख़त्म करते हैं। चलो थोड़ा सा आप गेम प्ले का एंजॉय कर सकते हैं।